इस बीच राजनीतिक विश्लेषक ए के मिश्रा ने गुजरात में हार्दिक पटेल और कांग्रेस की नजदीकियों पर कुछ अलग ही टिप्पणी की। उनका दावा है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष अभी उतना मजबूत नहीं है। हार्दिक पटेल का भी अगर देखा जाए जो अभी तक, हालांकि किसी भी दिन ये रिजल्ट चेंज हो सकता है एक दिन पहले तक, लेकिन अभी तक जो एनालिसिस है ठीक है वो एक हो सकते हैं, कुछ उनका वोट बैंक शेयर बढ़ सकता है, कुछ सीटें है, लेकिन बात अगर सरकार बनाने की जाए तो अभी भी बीजेपी के टक्कर में अगर देखा जाए तो इनका इम्पैक्ट उतना जबरदस्त नहीं हो पा रहा है। खैर, कहां कमल खिलेगा और कहां पंजे का कमाल दिखेगा, चुनाव परिणाम से पहले कुछ कहना। हाल ही में अगर हम बात करें तो गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। हार्दिक पटेल ने जो है एक तरफा तरीके से अब बातों ही बातों में कांग्रेस का समर्थन किया है, बीजेपी को बिल्कुल दरकरार किया है, तो क्या लगता है कि हार्दिक के आने से जो राजनीति है वहाँ की या जो आगे चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर माइक्रो स्ट्रेटेजिक वे में देखा जाए, बीइंग अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए मिनिमम एक्सपेक्टेड जो है इम्पैक्ट को डालने के लिए। ठीक यही एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश में देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी ने हाथ मिलाया था लेकिन रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। तो हार्दिक पटेल का भी अगर देखा जाए जो अभी तक, हालांकि किसी भी दिन ये रिजल्ट चेंज हो सकता है एक दिन पहले तक, लेकिन अभी तक जो एनालिसिस है ठीक है वो एक हो सकते हैं, कुछ उनका वोट बैंक शेयर बढ़ सकता है, कुछ सीटें बढ़ सकती है, लेकिन बात अगर सरकार बनाने की जाए तो अभी भी बीजेपी के टक्कर में अगर देखा जाए तो इनका इम्पैक्ट उतना जबरदस्त नहीं हो पा रहा है कि वो उतनी सीटें एश्योर कर पाए। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग अगर ये देखा जाए कि देखिए, एक चीज है विपक्ष एक नहीं, सारे विपक्ष एक हो जाए। अब आज जो मैंने आपको बोला कि ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, तो केवल रैली कर लेना, इवेंट कर देना, भाषण दे देना, कुछ भी बोल देना, इससे जनता इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती है सर। जनता तालियां तो बजा लेगी लेकिन वो वोट में कन्वर्जन नहीं होता है, क्राउड होती है। देखिए, क्राउड हर नेता, राहुल गांधी के साथ भी यूपी में क्राउड थी, अखिलेश यादव के साथ भी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो क्राउड वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। सेम हार्दिक पटेल के साथ भी क्राउड आपको दिखेगी, कांग्रेस के साथ भी क्राउड दिखेगी, लेकिन उसमें कितना वो वोट में कन्वर्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे ख्याल से बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटजिक वे में मैनेज कर रही है, उनको ये पता चल गया है कि क्राउड को वोट में कन्वर्ट कैसे किया जाए, मींस कन्वर्जन ऑफ क्राउड इनटू इफेक्टिव वोट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सर। और विपक्ष, मुझे लगता है अभी विपक्ष को इस चीज पे और काम करने की जरूरत है। सारा मुद्दा सर यही है, क्राउड आपकी 10 लाख हो सकती है आपकी रैली में, उसमें आप अगर आप क्राउड का सेगमेंटेशन करेंगे और उनका जो है पॉलिटिकल काइनेसिस देखेंगे तो बहुत से लोग उसमें ऐसे होते हैं जो कि वोटर होते ही नहीं, 18 से कम उम्र के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर नहीं होते हैं, दूसरे के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नए नए आए होते हैं, बाद में उनका वोटिंग डिसीजन चेंज हो जाता है, रैली में वो इंजॉय करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो ये बहुत सारे जो है सेगमेंट्स होते हैं जिसको पर्टिकुलरली देखा जाए तो साइकोसोमेटिक वो होता है। तो जरूरत इस चीज की है कि वोटर्स के बिहेवियर को देखा जाए, डिफरेंट तरीके के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स सोसाइटी में होते हैं, रिलीजियस हो, सब ग्रुप्स हैं, उनके डायनामिक्स को देखा जाए और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना करके फिर उसको टैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट किया जाए। और विपक्ष को मैं बोलना चाहूँगा, निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ सर इनविंसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, इंदिरा के टाइम पे लगता था इंदिरा को हटाना मुश्किल है, समाजवादी पार्टी के टाइम पे लगता था कि उसको हटाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो अभी भी सर हर आदमी के लिए इंडिया में स्पेशली एक नए, मतलब आप ये देखिए उनके लिए भी इतना बड़ा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा, आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल, उन्होंने केवल 2 साल के स्ट्रगल में पूरी की पूरी सरकार बना ली और बीजेपी को हरा दिया। तो मेरे कहने का मतलब स्कोप बहुत है, आज की डेट में वोटर जो है और यहाँ के जो डायनामिक्स है सर वो बड़ा, इतना ज़्यादा हर चीज़ जागरूक हो गई है, ट्रांसपेरेंट। अगर आपके पास मुद्दे हैं, आपके पास प्लान है, ओनली बार्किंग या बिना मतलब कि आप कुछ बोलते जाइए, इवेंट करिए, रैली करिए, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल कंसल्टिंग इट इज़ नॉट मियरली मैनेजिंग द सोशल मीडिया, टीवी मीडिया या रैली करना सर। जब तक उसमें आप स्ट्रेटजिक इनपुट, सोसाइटी की ज़रूरतों को क्या बदलाव चाहिए उनकी क्या आप नहीं डालेंगे सर, तब तक आपकी क्राउड वोट में कन्वर्ट नहीं होगी, एंड दिस इज ओनली द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ अपोजिशन। यूपी निकाय चुनाव से जीत से बीजेपी पूरी तरह से गदगद है। बीजेपी जीएसटी नोटबंदी के विरोध के बावजूद बीजेपी की स्थानीय निकाय चुनाव में इस जीत के क्या मायने हैं? केवल अगर आप सोशल मीडिया या रैलीज का सहारा लेते हैं तो इससे कोई गारंटी नहीं होती है कि आप चुनाव जीत जाएंगे। सबसे बड़ा टास्क या चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि जो क्राउड आई हुई है उस क्राउड को स्ट्रेटेजिक वे में ऐसा क्या किया जाए कि वो लास्ट वोटिंग डे आपके वोट में जाकर के कन्वर्ट हो जाए। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों ने ये तो साबित कर दिया
ये मुद्दों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रचार अभियान और राजनीतिक रणनीति। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ एके मिश्रा साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है एके मिश्रा जी आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या आपको लग रहा है किस परिस्थिति में इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी किस मुहाने पर है गुजरात में? नहीं सर, देखिए गुजरात का जो इलेक्शन है ये केवल कांग्रेस और बीजेपी के लिए नहीं है, मेरा ऐसा मानना है पूरे देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी और कांग्रेस तो दो पार्टियां हैं। देखिए ये मुद्दा जो गुजरात का चुनाव हो रहा है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 20 साल मोदी जी ने जो गुजरात का काम किया है और गुजरात को अपने हर चुनाव में यूपी का हो कुछ भी हो रोल मॉडल की तरह उन्होंने प्रेजेंट किया है और इसी के बेसिस पे इलेक्शन जीते हैं। एक तरीके से बीजेपी ने यह बोला है कि विकास करना हमें आता है, विपक्ष को नहीं आता है। गुजरात की जनता आज ये तय करेगी, अगर बीजेपी फिर से पावर में आ गई, 140-145 सीटें मिल गई या मार्जिनल विक्ट्री हुई, तो एक तरीके से ये एक्सेप्टेंस होगा कि हाँ ये मॉडल सही है कि गलत है। रही बात कांग्रेस की, तो गुजरात में कांग्रेस की स्थिति सर देखिए, अगर वो 22 साल से पहले वहां आउट ऑफ पावर है तो उनके पास ये शो करने के लिए कुछ है ही नहीं कि हमने गुजरात में क्या किया। लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार वो एग्रेसिव है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट उनके फेवर में भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। लेकिन पूरे देश के लिए और आगे आने वाले चुनाव के लिए देखा जाए तो जनरल वे में गुजरात का ये चुनाव एक मापदंड और एक पैमाना स्थापित करेगा कि आगे सारी पार्टियों की रणनीति क्या हो। जीत का पैमाना तो हम सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं लेकिन जनता इस वक्त कतार में है तो जनता ही तय करेगी। मैं एक अहम सवाल है क्योंकि साल 2015 थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मिश्रा जी, हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव नहीं हुए हैं इस बार, अलग अलग जातियों को समझाया और उनका अंकगणित भी बताया गया, कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि जनेऊ दिखाना पड़ा? सर देखिए कांग्रेस का अगर मैं देखूं तो लगातार आप कुछ टाइम से देखिए तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजिक टीम है वो इस चीज में टोटली बहुत वीक है या फेल्योर है कि अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग और प्रोजेक्शन वो पब्लिक के सामने क्या करें। यही रीजन है कि कभी वो जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू दिखाना शुरू करते हैं तो कभी किसी दूसरे मुद्दे पे वो जो है शिफ्ट कर जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम है और कमजोरी है। मेरे ख्याल से अगर बीजेपी को देखा जाए तो उनके जितने भी एजेंडा और मुद्दे हैं सर वो बहुत ही प्लान्ड वे में है। डेफिनेटली अगर इन्होंने जनेऊ पहना है इतने दिनों के बाद, देखिए अभी कुछ साल पहले की बात है हिंदू धर्म के या राम के विरोध में ये लोग बोलते थे, फिर आज जस्ट अपोजिट ये हो गया है, तो ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की कमी को बताता है कि हमेशा ये शिफ्ट कर रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा मुद्दा हम पकड़े। इससे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन वोटर्स और पब्लिक में जाती है और इसका ऑटोमेटिक बेनिफिट बीजेपी मामले की इन्होंने नहीं बोला था तो इन्होंने फेवर में भी तो नहीं। अच्छा बीजेपी यही तो इनको चैलेंज कर रही है कि सर आप मंदिर मुद्दे पे अपने स्टेटमेंट दीजिए, इस चीज को क्लियर करिए। ये मंदिर मुद्दे पर क्या स्टेटमेंट देना, मंदिर मुद्दा मंदिर में गए थे, हाथ जरूर जोड़ा था लेकिन मंदिर के बाहर निकलकर वोट तो नहीं मांगा था। नहीं नहीं सर, सवाल ये है, सवाल यही है ना कि मंदिर के बाहर से जब राहुल गांधी निकले तो वोट तो नहीं मांगा था। सर, वोट मांगने का मतलब ये नहीं होता है, आपने प्रदर्शित किया उस चीज को लगातार, पहले आप कभी नहीं जाते थे और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, आप सोशल मीडिया हर जगह आप इस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी, तो आप वही कर रहे हैं ना। लेकिन मिश्रा जी, जब सोमनाथ जाते हैं तो उनका नॉन हिंदू रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाता है, ये क्या था? नहीं अब ये देखिए, उनका नॉन हिंदू उन्होंने रजिस्टर में किसने दर्ज किया, क्यों किया, कैसे किया, लेकिन इसका डेफिनेटली एक डैमेज तो हो। देखिए बीजेपी इन्हीं सब चीजों को तो इनकैश कर रही है कि सर आप जो एक कंफ्यूजन वाली आपकी स्ट्रेटजी है या स्टेट है उसको आप क्लियर करिए। तो ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोल, अभी इन्होंने जनेऊ पहना के उस चीज को क्लियर करना शुरू किया है क्या? कभी ये बार बार जो शिफ्ट कर रहे हैं, इससे इनकी पोजीशनिंग क्लियर नहीं हो पा रही है सर। मतलब मोटा मोटी आप पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की पोजीशनिंग इस चुनाव में क्लियर नहीं हुई है, लेकिन पूरी मेजोरिटी के साथ और पूरी ताकत के साथ इस बार कांग्रेस चुनाव मैदान में है। चर्चा जारी रखेंगे। मिश्रा जी, जन परिस्थितियों को समझाया गया, दिखाया गया, बताया गया, या फिर संवाद टूटने की बात हुई, या फिर जो मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव को उसको समझने की बात हुई, बीजेपी के भीतर की जो स्थिति है तस्वीरों के लिहाज से अगर हम समझ रहे हैं तब सब कुछ ठीक नजर आता है, दिल्ली से मोदी जी आते हैं और सब कुछ इंटैक्ट है बताते हैं, लेकिन जब आनंदीबेन पटेल हटती हैं तो विजय रूपाणी सीएम बनते हैं और जिस पार्टी की सरकार है उसी के डिप्टी सीएम भी बनते हैं, ये मजबूरी उस दौर में भी दिखी थी और आज नेताओं की क्राइसिस और जो स्थानीय नेता हैं, जो चेहरे हैं गुजरात के, उनकी भी यही स्थिति है कि वो दिख नहीं रहे, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, इसमें एक चीज है सर, अब देखिए ये इंडिविजुअल आप अगर कंपैरिजन करें तो मोदी जी का जो अपना व्यक्तित्व है पॉलिटिकल और जिस हिसाब से उन्होंने मैनेज किया, और मोदी जी ने देखिए बीजेपी में एक अच्छाई भी है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक बुराई भी होती है,
दूसरी चीज ये है कि आप लोकल लेवल पे स्टेट लेवल पे अपना हीरो किसी को रिप्रेजेंट करते हो, डेवलप करते हो कि नहीं करते हो। जो आनंदी बेन के टाइम में प्रॉब्लम्स हुई या उसके बाद मोदी जी के छोड़ने के बाद हुई, वो सिंपल इंडिविजुअल पॉलिटिकल पर्सनालिटी का डिफरेंस है कि कौन कितना एक्सपर्ट है, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप ये देखेंगे कि जो एक कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है, मैं समझता हूं, देखिए कम्युनिकेशन का गैप एक बहुत ही, आप ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम है, लेकिन बीजेपी इसमें भी आगे है। कम्युनिकेशन का गैप होने के कारण अगर बीजेपी को कोई डेंट लगता है, बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से, इवन कांग्रेस ने भी अब की बार गुजरात में लोगों से कांटेक्ट बनाना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे, दोनों पार्टियों ने, इन कंपेरिजन ऑफ लास्ट देखेंगे तो कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा किया। सवाल यह है कि जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंज इसलिए आएगा कि समाज का जो एक तबका है, जो ये तीन युवक आगे आए हैं, और मैं सॉरी पहले एडवांस में बोलता हूं कि मैं इन युवकों की प्रशंसा करता हूं। मोदी जी खुद बोलते हैं कि यूथ को आगे आना चाहिए, यूथ देखिए पॉलिटिक्स में आगे आया, तो इनके कारण जो समाज खड़ा हुआ, डेफिनेटली इसका डेंट कुछ न कुछ उनको लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि इन तीनों युवकों का सिर्फ ये है कि ये चूंकि इन्होंने शुरू किया, कोई पॉलिटिकल एम नहीं था या उतना गाइडेड, या इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो हो सकता है उतना जबरदस्त इंपैक्ट न पड़े कि ये बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ सके। लेकिन अगर इन्होंने एक अच्छा डेंट दे दिया है तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन गैप नहीं है सर, वहां की जनता समझ रही है, और ये एक बहुत अच्छी चीज है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। एटलीस्ट बीजेपी जो सबसे बड़ी और रूलिंग पार्टी है, उनको दिक्कत हो रही है, चैलेंज मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ स्वस्थ लोकतंत्र सर यही है। अब देखना है कि रिजल्ट क्या होता है सर। ठीक है, और ये जो चैलेंज, एक जो चैलेंज मिला है ये गुजरात में मिला, ठाकुर जो खड़े हुए वो पाटीदार आंदोलन के खिलाफ खड़े हुए थे, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पाटीदारों को आरक्षण मिला तो हमारे बैकवर्ड क्लास के आरक्षण से वो चीजें जाएंगी, तो उनका आंदोलन, हाँ उनका आंदोलन इसके खिलाफ था, पाटीदारों को आरक्षण ना मिले इसके लिए उन्होंने बैकवर्ड को यूनाइट किया था। तो अब कांग्रेस इस अंतर विरोध जो है पाटीदारों के बीच और बैकवर्ड को लेकर के अल्पेश था, इसको कैसे मैनेज करेगी, समायोजन करेगी, यह भी एक बड़ी चुनौती है। यह भी समझने की जरूरत यह नहीं है कि तीनों के बिल्कुल धाराएं एक ही मिलती है, दो धाराओं में बिल्कुल जमीन और आसमान का अंतर है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब हम कहते हैं कि तीन नौजवान उभरे, वो क्यों उभरे, उनके कारण क्या थे, उनके बीच मतभेद क्या है, वो क्या वाकई एक हो सकते हैं, उनके वोटर मिल जा सकते हैं क्या इनके कहने से, ये भी एक समस्या है। नहीं नहीं अवधेश जी, देखिए मैंने आपको यही बोला था, शुरू में ही बोला था, मैं इस चीज की प्रशंसा कर रहा हूं सर कि जैसे मूवी आई थी थ्री इडियट, बड़े सिंपल से ये युवक है, और युवकों के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूं, इतनी बड़ी इन्होंने मुहिम की, मैंने बोला कि ये गाइडेड नहीं थे, उतने प्रोफेशनल्स नहीं है सर, जैसे बीजेपी एक पार्टी प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस उसमें है, जिसके कारण हो सकता है इनका रिजल्ट या उतना इंपैक्ट ये न डाल सके। लेकिन अपने आप में इसको भी सर आप कम उपलब्धि मत मानिए, और यही रीजन है कि कांग्रेस या कोई और देखिए इनको कंसीडर कर रहे हैं चुनाव में, एक फैक्टर, एक चेंज एजेंट की तरह इनको कंसीडर किया जा रहा है सर। वो तो इसलिए कि कांग्रेस के पास अपना नेता नहीं है, नेताओं की लड़ाई है, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, नहीं नहीं तो जो इस समय लोकप्रिय है उनका लाभ उठाओ। बीजेपी में भी है, अभी यही क्वेश्चन उठा था कि बीजेपी में मोदी जी के बाद जो सीएम आए हैं वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उतना, ये पार्टी में देखिए ये एक बहुत नेचुरल टाइप का फैक्ट है, हमें समझना चाहिए कि, और मैंने कांग्रेस के बारे में भी बोला कि कांग्रेस अपनी पोजिशनिंग क्लियर नहीं कर पा रही है, हर बार कंफ्यूज है, ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। देखिए कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि यहां पे इन्होंने इन तीनों लड़कों को कैसे टैकल किया जाए, टाई अप किया जाए कि नहीं किया जाए, इन तीनों युवकों की भी यह है कि बीच में ये जो इनकी जो मुहिम थी वो कमजोर होने लगी। देखिए शुरू में मुहिम बहुत अच्छा रहा, ठीक है, मुहिम कमजोर हुई या मुहिम पे अब और जान फूंकने की कोशिश की जाएगी, और कांग्रेस का साथ मिला है तो कहीं ना कहीं रणनीति भी अब बदलेगी और अब ये लोग प्रोफेशनल। एक छोटा सा कमेंट मैं एके मिश्रा साहब से चाहूंगा कि एके मिश्रा साहब हमेशा कॉरपोरेट चुनाव लड़ता है गुजरात में, इस बात की वकालत की जाती है विपक्षियों की तरफ से, इस बार कॉरपोरेट की कितनी भूमिका है? नहीं देखिए अब ये एक सर बहुत विवादास्पद क्वेश्चन है, और मैं ये बोलूंगा कि कॉरपोरेट की भूमिका वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, फ्रंट पे तो कोई है नहीं, फ्रंट पे तो सारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, चाहे वो आप हार्दिक पटेल देखिए चाहे बीजेपी को देखिए, तो मैं समझता हूं कि अब कॉरपोरेट पीछे से क्या कर रही है सर ये तो मुझे पता नहीं है,
और इस पे मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा सर। बचना चाहेंगे, सब बचना चाहते हैं इस तरह की चीजों में। कॉर्पोरेट की भूमिका है, देखिए ऐसा है कि जो बीजेपी के समर्थक कॉर्पोरेट हैं वो भी लगे हुए हैं, कांग्रेस के समर्थक जो हैं वो भी लगे हुए हैं, अपने अपने समर्थक लगे हैं। हाँ। क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है। नोटबंदी के बाद भी पैसा बह रहा है, पैसा बह रहा नहीं, नहीं हमारे पक्ष की सरकार होगी तो उसका हमको व्यावसायिक लाभ मिलेगा, तो इसलिए वो लगे हुए हैं। गुजरात के चुनाव में कॉर्पोरेट की भूमिका है, कोई नकार सकता ही नहीं। देखिए भूमिका तो हर आदमी की लोकतंत्र में, हर आदमी में कॉर्पोरेट में अंतर की रहती है। मैंने हर आदमी में और कॉर्पोरेट में अंतर है। कॉर्पोरेट अगर पैसा लगाते हैं किसी पार्टी में तो फिर उससे वो रिटर्न चाहते हैं कि हमको इसके कई गुना रिटर्न मिले। वो तो देखिए आज एक सामान्य वोटर भी रिटर्न चाहता है, मैं वोट देता हूं तो मैं चाहता हूं तो फर्क बन जाए, वो अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, शंभू जी इंटरेस्ट कुछ और है। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अब कॉर्पोरेट ऐसा नहीं कि अकेले सिर्फ जो सत्तारूढ़ पार्टी हो रूलिंग पार्टी को ही पैसा दे रहा हो, कॉर्पोरेट भी अपना नफा नुकसान देखता रहता है, सबको बांट रहा है। तो अगर हार्दिक पटेल का आंदोलन खड़ा हुआ है या जिग्नेश मेवानी या अल्पेश ठाकुर या खुद कांग्रेस को भी पैसा तो फंडिंग तो कहीं ना कहीं हो रही, बिना फंडिंग के कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इसे कॉर्पोरेट दोनों तरफ है, वही कॉर्पोरेट पता लगा उनको भी पैसा दे रहा है, वही इनको भी दे रहा है। अच्छा। उसको क्योंकि वो अपना व्यापार उसे सुरक्षित बनाए रखना है। अब कुछ कॉर्पोरेट किसी मौके पर जब देखते हैं कि इनका देता तो बहुत तेजी से उभर रहा है और जनता में इसकी मास अपील बढ़ रही है तो उसको ज्यादा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कॉर्पोरेट सिर्फ एक ही को फंडिंग करे। कॉर्पोरेट फंडिंग तो इवन कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि हार्दिक पटेल तो एंटी बीजेपी हैं इसका, और जो भी भारतीय जनता, देखिए भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट रूप से घोषित रूप से जो समर्थन देने वाले ये तीन कॉर्पोरेट हाउस हैं, वो तो यही चाहते हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि उनके व्यावसायिक हित वहां पर जुड़े हुए, और हर कॉर्पोरेट हाउस ये चाहेगा कि जिनके उनके व्यावसायिक हित जहां पर जुड़े हो वहां राजनीतिक माहौल शांत हो, उस शांत राजनीतिक माहौल में ही व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। एके मिश्रा जी कुछ कमेंट कर रहे हैं। नहीं मैं ये बोल रहा था सर, देखिए दो प्रश्न आपने संतोष जी आपने बहुत अच्छे उठाए थे इस चर्चा में, एक एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है अवधेश जी ने जो बोला और कॉर्पोरेट रोल का। तो अवधेश जी देखिए मैं बताऊं, एंटी इनकम्बेंसी होता क्यों है, अगर जाके देखें मोनोटोनस नेचर जब हो जाता है, 20 साल से गवर्नमेंट है, सेम वादे हैं, सेम प्रोमिसेज हैं, सेम काम करने का तरीका है, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि कुछ चेंज होना चाहिए। तो जो अभी 34 या 35 आप बता रहे थे कि सिटिंग विधायक के काट दिए, बीजेपी को आप देखिए दिल्ली में पार्षद वगैरह के चुनाव हुए थे, सारे पुराने चेहरों को हटा के एकदम नए नए लोगों को टिकट दिया गया है। तो एक तो मोनोटोनस जो नेचर, जो मोनोटोनस ट्रेंड चला आ रहा है उसको ब्रेक करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये एक रणनीति है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए या लड़ने के लिए, स्पेशली बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो वो अपनाती है। अच्छा चुनाव में हर आदमी को जीतना जरूरी है, हर आदमी चाहता है कि मेरी सीट ये मैं उसी को दूं जो जीते, तो जो लोगों के टिकट क्यों काटे गए उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, फाइट तो इंटरनल भी है, कॉम्पिटिशन तो इंटरनल भी है, पर्सनल इन्फ्लुएंस होता है, फिर एक्सटर्नल में देखा जाए तो कौन ज्यादा से ज्यादा वोट ले सकता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, ये सारी चीजों को लेकर के एक सीट को जो है डिसाइड किया जाता है सर, किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए। कॉर्पोरेट की जो भूमिका आपने बताई है सर, देखिए कॉर्पोरेट की भूमिका सबके लिए हर इलेक्शंस में रहता है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, अपने वे में इंटरेस्ट हैं सर, उनकी अपने एक्सपेक्टेशंस हैं। जितने भी फैक्टर्स होते हैं एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, चाहे वो वोटर हो, चाहे कैंडिडेट हो, चाहे पार्टी हो, हर आदमी हर फैक्टर अपनी भूमिका निभाता है, पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, रिजल्ट को प्रभावित करता है, और अपने अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है सर। ठीक है, अपने अपने एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन कॉर्पोरेट शामिल है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि चुनाव जीतने के बाद असल काम किसके लिए होगा, ये सवाल है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, असल काम किसके लिए होगा, ये बात गुजरात की नहीं है, हर स्टेट की है। नहीं असल काम मैं बता रहा हूँ सर, एक्चुअली क्या होगा, मान लीजिए अगर क्लियर कट गवर्नमेंट किसी की आती है, बीजेपी या कांग्रेस की आती है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जो भी गवर्नमेंट आएगी डेफिनेटली अपने फेवर के लोगों को कुछ न कुछ बेनिफिट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो देती है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है सर, जहां पे कैंडिडेट जीत जाता है, आप गांव में देखिए छोटे छोटे, वहां काम ज्यादा तेजी से होते हैं, जहां गवर्नमेंट के सिटिंग कैंडिडेट एमपी एमएलए नहीं है वहां विकास थोड़ी धीमे होती है। ठीक है, ये तो राज्य मिश्रा साहब रहे हैं। देखिए सर राहुल गांधी जी का तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे कि उनके उनके अंदर ओवरऑल बदलाव आ रहे हैं, ये पॉजिटिव है,
लेकिन पॉजिटिव बदलाव होने का मतलब ये नहीं है कि डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो डिलीवर कर पाएंगे अभी गुजरात में। रिजल्ट प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं बात। नहीं नहीं सुनिए सर सुनिए, पर्सनल लेवल पे उनके अंदर बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पे चूंकि वो अभी एक तरह से देखा जाए तो पूरे अध्यक्ष बन रहे हैं, कांग्रेस के लेवल पे देखा जाए तो कांग्रेस को अगर पूरा उभारना है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि एज ए टॉप लीडर ये करें, और प्रोफेशनल लेवल पर्सनल प्रोफेशनल और पॉलिटिकल चेंज है, लेकिन चेंज सर एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने के लिए अभी उनको टाइम लगेगा। अवधेश कुमार जी, राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईके मिश्रा साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक अच्छी चर्चा की और कम से कम लोगों को यह बताया कि गुजरात के परिप्रेक्ष्य में किस तरह आगे की रूपरेखा खींची जा रही है। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। मिश्रा जी, एक एक रिएक्शन इस पर, जिस तरह के रुझान शुरुआती इस वक्त हमें मिल पा रहे हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट दो घंटे होने वाले हैं इस काउंटिंग को शुरू हुए, रिएक्शन इस बात पर कि जो 16-0 क्लीन स्वीप का निगम का दावा बीजेपी कर रही थी वो तो फिलहाल इन रुझानों में दिखाई नहीं दे रहा है, उल्टे पिछली बार से एक सीट जो है एक निगम उनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, स्पेशली इंडिया में अगर देखा जाए तो कोई भी जो इलेक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और टफेस्ट कॉम्पिटिशन होता है, और निकाय के ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये सर ये जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं ये डिलीवरी डेस्क होता है किसी सर, भी आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। आवाज सर मुझे तो आ रही है आपकी, क्लियर आवाज। हेलो, तो ये जो निकाय का चुनाव होता है सर, देखिए आपने जो बोला जी, हेलो, हाँ सर, कैन यू लिसन मी राइट नाउ? हेलो 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 ठीक। एके मिश्रा जी, आप में आपकी आवाज चूंकि हम तक नहीं आ पा रही थी, सवाल वही है आपसे, जो इस वक्त रुझान दिखाई दे रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए किस तरह के संकेत माने जाएं इसे, इस इन आठ महीनों के शासन के योगी आदित्यनाथ के लिए? नहीं देखिए, अगर बीजेपी का सबसे बड़ा जो ये देखा जाए, बीजेपी का जो माइंडसेट, जो आप रुझान दिखा रहे हैं कि बाकी सब लोगों का बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, बीजेपी की जो एक स्ट्रेटजिक रणनीति है कैडर बेस होकर और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, ये दूसरी पार्टियों में नहीं है। और डेफिनेटली जो आपके रुझान है, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो ग्राउंड जीरो लेवल पे भी अब की बार एक्टिव था, तो मुझे लगता है कि ये रुझान और जो आपकी एनालिसिस है ये कंटिन्यू रहेगी। लेट्स वॉच फॉर 1 or 2 आवर। और इसमें मैं ये देखता हूं कि बीएसपी अगर चाहती तो उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था ये चीज अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से तो मुझे नहीं था, लेकिन बीएसपी ने भी यहां पे एक्टिव वे में काम करना तो छोड़िए, इन्होंने डिटरेंस ही नहीं शो किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष ने ऑलरेडी शुरू से ही अपने आप बीजेपी के लिए सारे रास्ते खाली कर दिए। तो जो बीजेपी के पक्ष में रुझान आ रहा है वो ये है कि आपका अपोजिशन जब चुनाव लड़ ही नहीं रहा है, आपके लिए रास्ता उन्होंने खाली कर दिया। इसमें हो सकता है बीजेपी का उतना बड़प्पन या उतना उसको क्रेडिट न दे, लेकिन ज्यादातर क्रेडिट यह है कि विपक्ष में आप देखिए बीएसपी समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर कहीं गए ही नहीं। बीजेपी का एक माइंडसेट यह है, पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो नगर निगम के चुनाव होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी सरकार का सर डिलीवरी डेस्क होता है, यानी जो वायदे जो पॉलिसीज टॉप लेवल सेंट्रल या स्टेट लेवल पे बनती हैं पब्लिक तक ये वो टेबल होता है जहां पे कि वोटर पब्लिक या आप वो जो पार्टी या सरकार है एक टेबल पे आके मिलते हैं। इसमें जो मुद्दे लाइट लगाना है, सीवर की सफाई करनी है, ये सारे डे टू डे लाइफ के जो सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, बीजेपी इस चीज को बहुत बखूबी से समझती है कि अगर जनता से जुड़ना है और क्लीन स्वीप करना है विपक्षी पार्टियों को तो इन चीजों को हथियाना बहुत जरूरी है, इस पे एकाधिकार करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है, अगर ये सारे रिजल्ट बीजेपी के फेवर में गए तो इसका जबरदस्त इंपैक्ट सर कमिंग 4 to 6 मंथ में जो और इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे अभी गुजरात में जो वोटिंग होगी, बीजेपी इसको देखिए इतने फ्यूचरिस्टिक वे में काम कर रही है, दूसरी पार्टियां इतना स्ट्रेटजिक माइक्रो लेवल पे सोचती ही नहीं है, फ्यूचरिस्टिक सोचती ही नहीं। सर देखिए, दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो नेता है, नेता होने का ट्रेंड आज के 15-20 साल पहले था, जरूरत है सर आज नायक बनने की, जननायक बनने की,
दूसरी विपक्ष की पार्टियां ये समझ ही नहीं रही है, वो सोचती हैं कि इलेक्शन जब मेन होगा स्टेट या नेशनल लेवल का तो एक महीने पहले तैयारी करके हम सीधे सीएम या पीएम बन जाएंगे। ये फर्क दिख रहा है और इस फर्क का ये रिजल्ट है सर जो बीजेपी के फेवर में ये जा रहा है और आगे भी जाएगा और इसका इम्पैक्ट बीजेपी इतने अच्छे तरीके से इनकैश करेगी। मैं विपक्षी पार्टियों को भी बोलना चाहता हूं सर, आप अभी भी चेत जाइए, गुजरात इलेक्शन पे भी इसको बहुत जबरदस्त तरीके से इनकैश करेंगे, कर्नाटका में हो सकता है डेफिनेटली इसको ये लोग इनकैश करेंगे और ऑल ओवर इंडिया पे इतना ज्यादा इसको हाईलाइट किया जाएगा कि जो दूसरे स्टेट के जो वोटर है जो नोटबंदी सर कैश करने के बाद जहां तक आती है मुद्दों की और जीत की तो वो तो बीजेपी बहुत अच्छे से करती है, इसमें कोई दो राय नहीं सर, ये तो यूएसपी है ना, यही तो यूएसपी है, यही तो और इसको और इसको इस तरीके से भी लेके जाएंगे जैसे कि अनिल जी भी कह रहे थे कि जीएसटी के बाद ये पहला चुनाव था निकाय का, वो भी इतने बड़े प्रदेश में सरकार हमारी, और एक ये बड़ी जीत दिखाती है कि जो व्यापारी वर्ग है जिसकी नाराजगी की बात विपक्ष कर रहा है वो भी नाराज नहीं, दरअसल वो भी हमारे साथ ही हैं, तो इसका गुजरात पर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा बहुत। आप बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहां पर रुकना होगा, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी और ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक अपडेट आपको दे दें ब्रेक पर जाने से पहले, मथुरा से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मथुरा एक नई निगम शामिल की गई है, वहां कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो एक अच्छी बढ़त के साथ आगे हैं इन रुझानों में, जो अपनी जीत यानी बीजेपी को जीत को लेकर। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, आप सुन रहे थे महेंद्र नाथ पांडे जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तमाम लोग हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। एक एक क्विक रिएक्शन की शुरुआत हम करते हैं थोड़ा इन रुझानों को लेकर एनालिसिस करते हुए। एके मिश्रा जी, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं 10 पर भले ही बीजेपी आगे चल रही हो इन रुझानों में, लेकिन अगर 16 का आंकड़ा जो 16-0 का क्लीन स्वीप था वो नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी बात है कि पिछली बार से इस बार नुकसान भी दिखाई दे रहा है, इतने कम वक्त में 8 ही महीनों में आखिर ऐसा क्या होगा हो रहा है प्रदेश में कि लोग बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, और क्या इसे बीजेपी के खिलाफ वोट माना जाए? नहीं नहीं सर, देखिए इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है, मैं आपको बताता हूं। देखिए एक तो एक नेचुरल डिटेरियेशन होता है, कोई भी गवर्नमेंट बीजेपी 2014 में आई उनके प्रॉमिसेस थे, डेढ़ साल दो साल तक तो जनता भी जो है वेट करती है, लेकिन दो साल के बाद आप वो वादे पार्शियल वे में या फुलफिल नहीं कर पाते हैं 100% वे में, तो हर पार्टी के लिए कोई भी पार्टी हो आप देखिए सर 2-3 साल के बाद उसका नेचुरल डिटेरियेशन शुरू हो जाता है, तो एक फैक्टर तो ये है बीजेपी के साथ, सारे वादे सारे मुद्दों को ये डिलीवर नहीं कर पाए हैं, मजबूरियां या प्रॉब्लम चाहे कुछ भी रही हो। दूसरी चीज ये है कि 2014 और या अभी 2017 का ये देखा जाए तो देखिए जनता जो भी है यूपी में वो हमें निकाय के जो चुनाव होते हैं सर उनके डायनामिक्स स्टेट लेवल के इसके साथ साथ नेशनल लेवल के जो चुनाव होते हैं उनके डायनामिक्स से अलग होता है सर। आप देखिए बहुत से सीटों पे ऐसे लोग होंगे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो बीजेपी और बीएसपी के कैंडिडेट से भी आगे निकल रहे हैं, तो इसके पीछे का डायनामिक्स क्या है सर ये समझने की जरूरत है। रीजन ये है कि मैंने आपको बोला निकाय का चुनाव डिलीवरी डेस्क होता है सर, वहां पर्सनल रिलेशन जिसका ज्यादा मतलब आप समझ लीजिए जो ज्यादा काम कर रहा है रेदर देन पार्टी। बीजेपी को अगर ये लॉस हो रहा है तो लॉस सर दो तरीकों से हो रहा है, बीएसपी को जो बढ़त मिल रही है वो उनका अपना कैडर का वोट है सर, चाहे उन्होंने कुछ काम किया हो प्रचार किया हो ना किया हो उनका वोट बैंक फिक्स है। दूसरी चीज जो और कहीं से भी अगर बीजेपी को वो मिल रहा है तो डेफिनेटली जो नोटबंदी वगैरह हुई है इसका कुछ ना कुछ एक बीजेपी को देखिए प्रॉब्लम तो हुई है चाहे चेंज पॉजिटिव के लिए आपने किया हो, लेकिन एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि एक मिनट के लिए भी वो प्रॉब्लम को झेलना नहीं चाहता है, तो कुछ ना कुछ जनता कहीं ना कहीं किसी न किसी उस पर जो है इतना ज्यादा सख्ती कर देना या ये कर देना एक निगेटिविटी तो गई है। मुझे लगता है बीजेपी के लिए ये एक साइलेंट मैसेज भी है कि चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी पॉलिसीज ऐसे होनी चाहिए जो कि मिनिमम लॉस या मिनिमम यू कैन से की प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए किया जाए सर। देखिए सैलरी प्रधानमंत्री तो कल ही इसको लेकर कह चुके हैं कि किसी भी तरह की राजनीतिक अगर इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़े तो वो तैयार हैं। नहीं नहीं वो ठीक है सर, देखिए मैं एक चीज को मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं, स्टेप बहुत बोल्ड है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सोचना चाहिए कि नोटबंदी के सिवा ये जो करप्शन 60-70 साल से है क्या और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें कि हर पक्ष को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती? ऑप्शंस थे सर, ठीक है, अब उसका क्या रीजन था कैसे था ये डिबेट का अभी टाइम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिश्रा जी आप बने रहिएगा, एक अपडेट हम दरअसल दे रहे दर्शकों को। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान झड़प की खबरें आई हैं, बीजेपी और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके बीच ये झड़प की खबर है और दोनों उम्मीदवारों के बीच शुरू हुई झड़प में कार्यकर्ता भी कूद पड़े
और यहाँ पर बवाल हो गया है। सरकार बदलने का इम्पैक्ट नहीं है, जा रहे में गर्मी में भी अच्छी आ रही थी, खपत कम सुधार हुआ। नोएडा में देखिए, ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में कितने एनकाउंटर हुए, कितने बदमाश पकड़े गए हैं, लेकर सवाल भी उठे हैं। NHRC ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिया है, एक मामले में सवाल उठे, उसकी जांच चल रही है, उसकी न्यायिक जांच चल रही है, उसको हम मानते हैं, जिसमें सवाल उठे। पत्रकार को मार दिया गया, आप इस पर रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, जहां भी अपराध, क्यों जर्नलिस्ट निशाने पर है, क्यों पत्रकार? अरे भैया, पहले तो इनकी सरकार में तो डिप्टी है, आपकी सरकार में मारे गए थे, बता कि आपकी सरकार में। सर देखिए, आप लॉ एंड ऑर्डर के ऑर्डर को लेकर बात कर रहे हैं। एक दिन में सुधार नहीं हो सकता। आंकड़े कल जारी हुए पूरे देश के क्राइम के, अगर आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में, महिला पर अत्याचार, बलात्कार, अपहरण, डकैतियां, हत्याएं, लूटपाट, सबसे ज्यादा नंबर वन उत्तर प्रदेश रहा। नंबर वन नहीं, अभी नहीं, अब घटा है। कितने घटा? अपराध का ग्राफ अगर इन 6 महीने या 7 महीने का देखेंगे, अपराध गिरा है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, प्रॉब्लम ये है, मिश्रा साहब, पेस या स्पीड आप बोलते हो ना, कि आप हमेशा ये, वो हम 2 महीने में काया पलट कर देंगे। मिश्रा साहब, मुझे ऑब्जेक्शन इस पे है सर, आप 5 साल लीजिए, 3 साल। हाँ मिश्रा, हमारे अंदर आप उम्मीद जगा देते हो कि जी, अब 2 महीने में तो हम स्वर्ग में पहुंच गए। मिश्रा साहब, और 2 महीने में होना नहीं है सर कुछ, 7-8 महीने होने जा रहे हैं, बहुत थोड़ा समय, हम आपको रिजल्ट देंगे, आप देखिए ना। अगली बात, शुभकामनाएं हैं हमारी, धन्यवाद। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारी सीटें लगातार बढ़ेंगी, अब आपके यहाँ बढ़ना शुरू हो गया है, और हम 16 की 16 जीतेंगे, मैं पुनः कह रहा हूँ। ये आपका दावा बहुत मजबूत है, ये इसके पीछे क्या वजह? हमारी मेहनत, हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है, हम जब पार्क में बैठते थे, अब कोई यहाँ ओपनली नहीं बोलेगा, सारी पार्टियों ने इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद इन्होंने शुरू किया होगा तैयारी, इन्होंने सर बीजेपी ने आते ही तैयारी शुरू कर दी थी, कैडर को ट्रेनिंग देना, जितनी भी चीजें हो सकती थी वो इन्होंने, तो ये इनका इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से तैयारी की हुई है। तो देखिए, मैंने तो आपको शुरू में बोला था, कोई भी पार्टी बीजेपी इनविंसिबल या अजय नहीं हुई है सर, आप उसको समझिए ना, वो काम कैसे कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए भी है। मिश्रा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ, ये नईम साहब भी बैठे हैं, अपने मेहरोत्रा साहब बैठे हैं, हमारी पार्टी में निचले स्तर तक काम मिलता है। जैसे मैं वसुंधरा गाजियाबाद में रहता हूं, मुझे भी एक बूथ की मेरी जिम्मेदारी है, जिसको मुझे देखना है, नई वोट बनी है नहीं बनी, सबको पर्चियां पहुंची नहीं पहुंची, और मैंने घर घर पर्चियां पहुंचवाई, वोट डलवाई, ये मेरी जिम्मेदारी होती है, वो उसका काम मेरे जुम्मे है। हमारी पार्टी में चाहे कोई बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता है, या प्रदेश का नेता है, जिले का है, या वार्ड का है, सबको काम होता है कि ये आपने काम करना है, और उसको हम जिम्मेदारी से करते हैं। इसलिए मुझे भरोसा है अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं पे, जैसे हम लोगों ने काम किया, हर एक कार्यकर्ता ने ऐसे काम किया, इसलिए हम जीते। एक सबसे इंपॉर्टेंट सर, केवल काम करना जरूरी नहीं है, जो आपने किया है। अब देखिए, राजनीति की दशा और दिशा बदल चुकी है, बाकी सारे नेताओं का मुझे ये लगता है कि वो अपने शेल के बाहर, कवच के बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं वो पुराने तरीके से, देखिए मुद्दे वादे सब वही रहते हैं। आप लोगों ने, बीजेपी ने जो एक एज बनाया है, जो USP बनाया है दूसरी पार्टियों के ऊपर, वो ये है कि कैसे चीजों को डिफरेंट, देखिए भाषण सब दे लेंगे, जरूरी नहीं है कि आपकी क्राउड वोट में कन्वर्ट हो जाए। सर एक अपडेट आपको दे दें, बनारस जो कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर 3 वार्ड के नतीजे आए हैं, बहुत छोटे नतीजे हैं लेकिन मायने जरूर रखते हैं। 2 पर समाजवादी पार्टी के काउंसलर जीते हैं और 1 पर कांग्रेस के, अभी तक बीजेपी के पूरी तरह से गायब। कैसे एनालिसिस करेंगे इन रुझानों का? नहीं देखिए, मैं इसको एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे आज के परिदृश्य में आप ये देखिए, लहर यहाँ पे सर किसी एक पार्टी की नहीं है, मैं आपको ये बोलूंगा, सारा डायनामिक्स ये चेंज हो गए हैं सर, वोटर्स की जो प्रिफरेंस है, उनका वोटिंग बिहेवियर चेंज हो गया है। कौन सी पार्टी इसको, बीजेपी की सबसे बड़ी अचीवमेंट, देखिए बीजेपी भी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी है इसके पहले, तो मेरे कहने का मतलब, ऐसा क्या उन्होंने चेंज किया सर अपनी स्ट्रेटजी में, उन्होंने इस नब्ज को पकड़ा कि चीजें क्या चेंज हो रही हैं, वोटर तक मैसेज कैसे पहुंचाए, उसको इन्फ्लुएंस कैसे करें कि एक रॉ वोटर जो है वो वोट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये उनकी स्ट्रेटजी की, बीजेपी की स्ट्रेटजी की जीत है। समाजवादी पार्टी का तो देखिए, जो इनको डेंट लगा, जो इन्होंने मतलब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ, उस वक्त काफी लोग बड़े खुश हुए थे कि 1 महीने तक इन्होंने मीडिया को हाईजैक करके रखा, कैप्चर करके रखा, लेकिन उसी वक्त मैंने बोला था इसके आगामी रिजल्ट बहुत बुरे होंगे। BSP का तो सर ये है कि मैं तो फिर भी बोल रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी सारी पार्टियों के लिए सर, 33 से 35% युवा वोटर है, उसके हाथ में व्हाट्सएप है, सारी चीजें हैं, वो किसी के झांसे में आज नहीं आता है, उसको हार्डकोर रिजल्ट चाहिए।
बीजेपी इस चीज को, इस चेंज को जो कि साइकोलॉजिकल लेवल पे है, इनकैश कर रही है, बीएसपी नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी। तो आगे आने वाले वक्त में फिर इसका खामियाजा भी उसे उठाना पड़ेगा। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं, मैं विपक्ष को यही बोल रहा हूं कि अगर आप डिटरेंस नहीं देते हो, चैलेंज आप हारो या जीतो डिफरेंट चीज है, अगर आप चैलेंज नहीं करते हो छोटे से छोटे चुनाव में भी, तो आप ये मान के चलो सर कि आप सुसाइड कर रहे हो। आप देखिए अगर बीएसपी या कोई पार्टी ये सोचे मैं 2019 में आ जाऊंगा ना, बीजेपी की एक बड़ी खास रणनीति है सर, उसकी मोडस ऑपरेंडी को समझ लीजिए। चुनाव जीतने के बाद सारी पार्टियां, पहले ये होता था चलो जी अब ठीक हो गया, सब लोग अपना अपना काम करो, चुनाव के पहले तो बीजेपी एग्रेसिव वे में काम करती है, लेकिन जब ये चुनाव जीत जाती है तो विपक्ष का जड़ से सफाया करने का काम लगातार 5 साल करती है सर। ये एक बहुत बड़ा फर्क है बीजेपी की स्ट्रेटजी में। मैं यही विपक्ष को बोलना चाहता हूं, अगर आप हार गए तो आप ये खुशफहमी में मत रहिए कि मैं 2019 में कोई जादू कर दूंगा हम फिर से आ जाएंगे, होने को हो सकता है 2019 तक सर बीजेपी अपने, बीजेपी का उद्देश्य क्या है सर, जीतना नहीं, राइवल को कंप्लीटली वॉश आउट कर देना 2019 में, और उसका असर दिखने लगा है। फारूक अब्दुल्ला सारे नेता बोल रहे हैं 2019 नहीं 2024 का सोचो, चलो ठीक है 2024, तो आपको क्या लगता है 2019 में जब बीजेपी वापस आ जाएगी तो 2024 के लिए वो आपको फूल बिछा देगी कि सर अब हमने बहुत राज कर लिया आप आइए? 2019 में तो सर वो आपको, मैं तो बोलता हूँ 2019 और 2024 तक ये बीजेपी की हिडन स्ट्रेटजी है सर, इसको समझिए, मोडस ऑपरेंडी समझिए, 2024 तक तो रहेगा ही नहीं इस मामले में सर। बीजेपी, मैं शुरुआत से ही जब से डिस्कशन शुरू हुआ है मैं यही कह रहा हूं कि बीजेपी शंखनाद करना बहुत अच्छे से जानती है। एक बड़ा इवेंट जब होता है ना और किसी भी चीज को कैश करवाना होता है तो वो बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है, बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें बहुत पीछे हैं। आप देख लीजिएगा जैसे ही नतीजे आने शुरू होंगे, अभी तो रुझान है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से जिस तरह की बातें कही जा रही है, चाहे वो जीएसटी का फायदा हो या सरकार का चेहरा हो, योगी आदित्यनाथ का चेहरा हो, इस सबको लेकर अभी से बयान आने शुरू हो गए हैं सर। 2019 के बाद बीजेपी गांव के प्रधान में भी आप देखिएगा ना, गांव जो सबसे लोअर लेवल का होता है वहां पे भी ये कब्जा, हर जगह सर, ये हर गांव हर सड़क पे, अगर आप लोगों ने चैलेंज नहीं किया, पार्टियां हैं, लोकतंत्र है सर, ये तो स्ट्रेटेजी है, चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे। तो बोल रहा हूं विपक्ष क्यों खामोश है सर, सवाल इसी को लेकर नहीं मैं बात, आप अब जिस तरह के रुझान आ रहे हैं इलाहाबाद पे जहां पर आप बढ़त बनाए हुए थे वहां से आप पीछे हो गए हैं, और अभी जो कुल मिलाकर एक आंकड़ा था सर, रिएक्शन प्लीज 30 सेकंड में दे दीजिए, प्रोग्राम वाइंड अप करना है कि मिश्रा जी आपका एनालिसिस इसको लेकर, विपक्ष को लेकर खास तौर पर, क्या बीजेपी के लिए एक वॉकओवर की कंडीशन ये दे दी है उसने? नहीं देखिए ये डेफिनेटली अभी से नहीं, 2014 के हार के बाद से ही दे दिया है। आप देखिए राहुल गांधी जी ने यूपी के इन इलेक्शंस में एक ट्वीट या कुछ भी नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है सर, जो इनके पास मौके आते हैं वो इनकैश नहीं करते हैं। विपक्ष के पास मुझे जो लगता है उनकी स्थिति ये है, एक पॉलिटिकल मायोपिया और पॉलिटिकल इल्यूजन में वो फंसे हैं सर, इससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। एक क्लासिक एग्जांपल दूंगा, मूडी की रैंकिंग आई, मूडी की रैंकिंग आई तो बीजेपी ने सेलिब्रेट करके इनकैश किया, स्टैंडर्ड एंड पुअर पे नहीं किया, स्टैंडर्ड एंड पुअर पे विपक्ष भूल ही गया, ट्वीट नहीं किया, सारे मुद्दे में कहा है, और एजेंसी की रेटिंग आई थी नेशनल मुद्दे लेकर, फोर्ब्स पे बीजेपी ने बोला वो जी प्राइवेट एजेंसी है हम नहीं करते हैं। बीजेपी अपना बचाव भी कर रही, कैसे मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, तो ये लोग तो इसको, लेकिन लोग सुनते हैं सर, वोट करते हैं, इसलिए ये तो ये अगर इसे आप मिथक बता रहे हैं या उसे जादू बता रहे हैं बीजेपी का, तो वो विपक्ष को तोड़ना होगा सर। ये एज है बीजेपी, ये एज है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, रामचंद्रन सर आप यहां पर आए, अनिल जी, रूप चौधरी साहब, रविदास मेहरोत्रा जी, नईम अब्बास साहब, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, रुझान इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी जिस क्लीन स्वीप की बात कर रही थी 16-0 से, वो तो नहीं दिख रहा है, हालांकि बीजेपी नेता अब भी दावा कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो इंतजार करते हैं नतीजे क्या होंगे, लेकिन रुझान में फिलहाल 10-6 का ये रेशो चल रहा है, 5 बीएसपी 1 कांग्रेस। एक ब्रेक के बाद खबरें जारी है न्यूज वॉल इंडिया पर। सोशल मीडिया की प्लानिंग हो, स्ट्रेटजिक प्लानिंग हो, हर चीज को 7 दिन में बदल दिया जाएगा।